अक्षर जी, जैसा आपने बताया कि पटना से आ रही हैं, तो जी बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है ये प्रोजेक्ट आपके लिए, और क्या कहना चाहेंगे दिनेश जी के साथ आप काफी लंबे वक्त के बाद नजर आएंगे पर्दे पे, उसके अंदर बताइए। हाँ जी, सो एक्चुअली ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक अरसे बाद यू नो हम लोग एक साथ काम करने वाले हैं और ही हैज़ बीन माय फेवरेट एज ऑलवेज और हमेशा रहेंगे। सो इस वजह से ये हमारी शायद थर्ड फिल्म होगी साथ में। सो एक अरसे से खोज भी रही थी मैं कि कब साथ में काम करेंगे। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू। और गायकी भी कर रही है इस फिल्म में, उसके बारे में कि किस तरह का गाना वगैरह हो गए? अब तो अपने प्रोड्यूसर सर और डायरेक्टर सर की कृपा है कि इन्होंने मुझे गाने का अवसर दे दिया। नहीं, गाना तो आपको बहुत बम्पर हो रहा है, स्टार गायक है आज के टाइम में, क्या बात कर रही है। अच्छा, ये भी कहना चाहूँगा फिल्में नहीं आ रही थी पर्दे पर लॉकडाउन की वजह से यार, लेकिन आप न्यूज़ चैनल्स पे काफ़ी मतलब अपना जो व्यूज़ दे रही थी और काफ़ी अच्छा व्यूज़ दे रही थी, उसके बारे में बताइए क्या कहना चाहिए, कैसा अनुभव था किसी चैनल को रिप्रेजेंट करना किसी मुद्दे पर? जी, ये एक टोटली नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए और एक्सपीरियंस था आई मीन, और मुझे लगता था कि कदम कदम पे हम कुछ नया सीखते हैं, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और उस बारे में कहना, चूँकि मैं बिहार से हूँ तो उसके लिए जहाँ भी खड़ा होना पड़ेगा मैं ज़रूर खड़ी रहूँगी। सो दैट्स व्हाई। तो कंगना जी अभी इतना मतलब हर चैनल पे अपने व्यूज़ को पेश करती हैं, आपको लगता है क्या भोजपुरी की कंगना रनौत बनने का सक्षम रखती हैं आपको उस तरह से? ऐसी कोई कामना नहीं है पर आई एम सो हैप्पी कि मैं मुझे ऐसा लगता है कि हर एक लड़की को ये स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए, और मैंने अपने लिए लिया और आगे भी लेती रहूंगी, बस ईश्वर की कृपा रही, आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो थैंक यू। जान लेबू का आज मुहूर्त हुआ, क्या कुछ खास कहना चाहेंगे? जान लेबू का क्या ये टाइटल ही सब कुछ कह रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। इस बारे में क्या कहूँ कि मैं अंदर से बहुत एक्साइटेड हूँ कि दिनेश जी के साथ एक लंबे अरसे के बाद हम लोग काम करेंगे, और चूंकि हमने किया था पहली फिल्म बतौर लीड इनके जस्ट ऑपोजिट दिलेर, और वो टाइम हमने बहुत मस्ती की थी, बेहद अच्छे इंसान हैं, बहुत सपोर्टिंग हैं, और मतलब क्या ही कहूँ, इनके लिए तारीफें बहुत कम पड़ जाएंगी। मुझे लगता है सारी एक्ट्रेसेस जानती हैं कि कैसे हैं दिनेश जी। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग फिर से एक्साइटमेंट के साथ और मस्ती के साथ, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त भी हैं तो वो एक अलग केमिस्ट्री के साथ हम लोग साथ काम करेंगे। फिल्म में प्लस पॉइंट है इस बार किडी जी। यस, हाँ, इन ये भी इनके साथ हमारी दूसरी फिल्म होगी। पहली फिल्म प्राण जाए पर वचन ना जाए, लास्ट टाइम इन्होंने प्राण लिया, इस बार जान लेने वाले ले रहे थे तो लगता है इसमें ही जान जाएगी। केडी जी, क्या कुछ जरा कंफ्यूजन जरा दूर करिए, कौन किसका जान लेने वाला है? वो अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन दोनों एक दूसरे की जान ले रहे हैं। नहीं, जान तो पूरे फिल्म में जान ले रहे हैं, और मैं सांसद में पड़ा हुआ हूँ पूरी फिल्म में कि भाई ये एकदम जान लेके ही छोड़ेगी क्या? और लास्ट में मैं बोलता हूँ कि अब तो बकस दब जाने ले ले बुका। अभी फिल्म के जो म्यूजिक डायरेक्टर ओम जी हैं, उन्होंने बोला कि इस बार अक्षरा जी भी गाना गाने वाली सिनेमा में, ऐसे तो कई गाने इनके लॉकडाउन में हिट हुए हैं, क्या कुछ खास होगा गाना, कुछ तैयारी है? तैयारी तो नहीं है, अभी तुरंत पता चलेगा और फिर हम लोग उस पर बैठेंगे और अच्छे से गाएंगे, होपफुली। शुरुआत ही है आज गाने जी। की जी, आप ही के गाने से शुरुआत होगी। गाने को लेकर क्या कुछ नया साल में कुछ खास तैयारी है दिनेश जी? हाँ, देखिए, जो ये फिल्म है उसके जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं हमारे ओम झा जी, आज के डेट में ओम झा जी जो हैं वो हमारे भोजपुरी सिनेमा के सबसे ज़्यादा व्यस्त म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। मुझे लगता है कि चाहे वो मेरी फिल्म बन रही हो या खेसारी भाई की बन रही हो या पवन जी की बन रही हो, पर म्यूज़िक डायरेक्टर जो हैं ओम झा जी हैं। तो ओम झा जी गाना इतना अच्छा बनाते हैं कि दर्शक भी उनको चाहते हैं, हम सब भी चाहते हैं, और देखिए ओम झा जी एकदम गोलू मटोलू हो गए हैं एकदम से लॉकडाउन में, और बहुत अच्छा गाना बनाते हैं। इनका गाना बहुत सारा मेरी फिल्मों में बहुत हिट हुआ, बहुत लोगों ने सराहा, बहुत प्यार दिया, और ये जो फिल्म का टाइटल था जान लेबू का,
तो इसके लिए मुझे लगता है कि जो इनका फ्लेवर है, सबसे बेहतर म्यूजिक डायरेक्टर इस फिल्म के लिए यही हो सकते थे, इसलिए ही उनको चुना गया। और मुझे लगता है बहुत अच्छा गाना बनेगा, लोगों को बहुत मजा आएगा। अक्षय जी, यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि दिनेश जी की माता जी भी मुहूर्त पर हो, आज वो भी यहाँ पर खुशकिस्मती से अवेलेबल थी, आपने उनके पैर छुए, इससे पहले कोई मुलाकात हुई थी अक्षय सिंह की? मेरी मुलाकात नहीं, पहली बार मुलाकात हो रही है। और इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है कि दिनेश जी की माँ आके हम सबों को आशीर्वाद दें। वैसे आपके आने से पहले यही बातें हो रही थी कि माता जी जब भी आई हैं वो फिल्म सुपर डुपर हिट हुई है। अरे वाह, मजा आ जाएगा। अब कब तक शुरू हो रही है दिनेश भाई ये फिल्म, इसकी शूट जो है वो कब तक शुरू हो रही है, कहाँ शूट होगी? हम लोग 21 तारीख से इसकी शूटिंग शुरू कर रहे हैं, इसी महीने 21 तारीख से। और इसकी शूटिंग जो है हम लोग करेंगे अमेठी रायबरेली रोड पे, शिवगढ़ एक पैलेस है जहाँ पे पहले कोई बहुत बड़ी हिंदी फिल्म शूट हुई थी, सत्यमेव विजय थे। हाँ, वो एक लोकेशन ऐसा था जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरी फिल्म का ज़्यादातर पार्ट जो है वहाँ पे ड्रामा है अक्षरा जी के साथ में, जहाँ पे ये आकर के और पूरा मेरा जीवन जो है खरमंडल मचा देती हैं। तो वो उसके लिए लोकेशन बहुत परफेक्ट मिला। उसके बाद फिर लखनऊ में कर, और उसके बाद जो बाकी का शूट होगा जो शहर वाला पार्ट है वो फिर हम लोग लखनऊ में शूट करेंगे। के डी जी, कब तक आ जाएगी ये फिल्म रिलीज? अप्रैल मई तक प्लानिंग सोचा है, जितनी जल्दी आ सके। और ये सर एक चीज और खास है, आपकी फिल्म निरोवा रिक्शा वाला भी मई में ही आई थी। तो मई भी हमारे लिए बहुत लकी है, और ईश्वर ने चाहा तो हम लोग फिर से एक बार वही इतिहास दोहराएंगे। और क्योंकि मेहनत पूरी करेंगे और सबका प्यार ऑडियंस का रहा हमारे साथ, तो बस करेंगे कुछ कमाल ही करने के लिए, वापिस जोड़ी बनाएंगे। और जो केडी जी की जो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी जान लेबू का, तो पढ़ते ही मैंने पहले पूछा कि ये लिखा कौन है। तो लिखे थे हमारे प्रोड्यूसर साहब ही, पर वो बोले मत बताना क्या डर रहे थे, बोले पूछ रहे हैं कि लिखा कौन है, ऐसा तो नहीं कि क्या लिख दिए। बोला इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट लिखे हैं, उनसे बात कराई तो बोले राइटर हमारे प्रोड्यूसर ही हैं। हम बोले अरे आप वाह, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने फ़ोन किया सर को और बहुत धन्यवाद दिया कि आपने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट मेरे लिए बनाई है, और मेरे से भी जो बेहतर ये स्क्रिप्ट होगी वो अक्षरा जी के लिए है। बहुत अच्छा इनका किरदार है, और जो हमारे दर्शक हैं उनको बहुत मज़ा आने वाला है। और हम लोग पूरी मेहनत के साथ शूटिंग करेंगे, और पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को एक बार फिर से रिक्शा वाला मजा आने वाला है। बस जी, एक लास्ट क्वेश्चन, रिक्शा वाला कोई याद है आपको अभी तक? बहुत यादें मुझे याद है। मैं पहले ही दिन हम लोग शूटिंग कर रहे थे, और रिक्शा के ऊपर से मुझे गुलाटी मार के रोड पे खड़ा होना था। और संजोग की बात ये थी कि तब नया नया हीरो में आया था और केबल का बजट नहीं था। इस बार बजट है ना? इधर केबल था भी नहीं, उस केबल था भी नहीं, शायद उस टाइम पे केबल था इतना नहीं आया, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में हमारी फिल्म के लिए केबल का बजट है ना इस बार? हाँ इस बार है। तो हुआ ये कि उस पर से हमको गुलाटी मार के रोड पे आना था, तो पहले जो फाइटर ने मुझे दिखाया वो उसी के ऊपर गिर गया, उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए लोग। तो फाइट मास्टर बोले कि तू बता, वो दूसरा वाला आया वो भी मार के उसी पे गिर गया हैंडल पे, उसका भी यहाँ फिर टूट गया, उसको ले गए हॉस्पिटल। अब केडी सर और फाइट मास्टर दोनों देख रहे हैं कि इसके सामने ही हादसा हुआ है, और ये लड़का गाने होने वाला है, हीरो तो है नहीं, ये करेगा? तो केडी जी बोले क्या करे भैया, बदल दे? बोले ना सर, तो वो तब भी याद था, आज भी याद है, जीवन भर याद रहेगा कि अगर थोड़ा सा भी पहले गिरा होता तो मैं भी उधर ही चला गया होता। तो वो याद है मुझे। और केडी जी ने कहा था कि बेटा मेहनत कर लो, जो
कुछ तुम कर सकते हो इसमें, जितना दिखा सकते हो सब कर दो, क्योंकि यही तुम्हारी लाइफ बनाएगी। तो मुझे भी लगता था कि हाथ पर रह के क्या करेगा जब कुछ लायक बनेंगे नहीं, तो चलो करते हैं। तो जो जो इन्होंने कराया सब किया मैंने, और लोगों को पसंद भी आया, और वहीं से देखिए लोगों ने निरहुआ रिक्शा वाला ही बना दिया मुझे। मम्मी आपके बगल में बैठी हैं, 14 जनवरी है, बचपन की बात बताइए, कितना पैसा मिला था मेला घूमने के लिए आपको? मेला घूमने के लिए सच में माँ ही पैसा दे दी थी हमेशा, और पैसा से ज़्यादा तो धान मिलता था, जो गांव में धान वान होता था, तो मेला जाना है तो मम्मी जो है झोला में धान भर के दे देती थी कि ला पहले धान बेचते थे, फिर वो जो पैसा मिलता था तो उससे पहले माँ के लिए पकौड़ी खरीद लेते थे, और उसके बाद जो बचता था उसमें मेला घूमते थे, घूम के आ जाते थे। हाँ नहीं काहे बुलाई, गरीबी काहे के बुलाई, पूछा है लोग से हमको थोड़े कहला कि हम बहुत माई कहते हैं कि गरीबी की कभी भुलैया मत, तो हम कबू की ओर से थोड़े कहला माई कि हम बहुत अमीर हैं, हम तो कहला हम गरीब के लैका आई, किसान के लैका आई, मजदूर के लैका आई, यही से न मेहनत कर पाईला। पहले तू हार मेहनत था, तुहरा ही मेहनत से फिर हम लगावा है क्यों माई। एगो गाना आई रहे, मेहरी रहे बीमार, दुलही रहे बीमार, दुलही रहे बीमार, निरहुआ सटर रहे, कितना सटर रहते जरा बता दीजिए आप। कदा भी ये माई से पूछवा लो। मैं बोला था ओके गाइस बस करो यार, मैं गरीब को लेकर आना जंगा भालियो, गरीब को लेकर आना भैया, धन का हो गया तो किसी के संग घमंड ना रखे के चाहिए, हम रत्ता धक चली ला के उनको बुला दूं जो पांच फुट खड़ा हो, अपने नागों की खाई भी किया नहीं। माई के बात के गो जो है वो मंत्र के तरह हम रखिला अपने साथे, काहे कि हमरे ना दुनिया में केहू कभी माई बाबू जोन हो ना जोन संस्कार देने ओकरे चलते आदमी जीवन में जोन भी करेला जैसे भी रहेला, तो हर माँ बाप के आशीर्वाद और संस्कार ही काम आवेला, तो माई जोन सिखावे ले वो सब हम याद रखीला, माई याद रखीला, चिंता मत कर। नया साल पे जाते थे एक अंतरा कोई जो आपके लिए कुछ खास हो नया साल में, क्या क्या कुछ कोई अंतरा सुना दीजिए। अच्छा कुछ गा दें। हाँ सोनवा के सगरी दुकान हो, सोनवा के सगरी दुकान ले बुका हो, बोला ए करे जा जान ले बुका हो, बोला ए करे जा जान ले बुका हो, यूपी में रहबू कि चलबू बिहार में, यूपी में रहबू कि चलबू बिहार में, ऐसे बतावा परान ले बुका हो, बोला ए करे जा तू जान ले बुका हो। अक्षरा जी जवाब दीजिए जल्दी से। कि काहे खिसियाई बड़ा परान ले बका हो, क्या बात है, बोला हमर करे जा जान ले बका हो। वाह वाह वाह।